केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने दी की घोषणा। उज्ज्वला गैस सिलेंडर चो भी 400 रुपए की कमी। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक कामयाबी लई इसरो वैज्ञानिकें दी की सराहना। घरेलू रसोई गैस उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता करने के केंद्र सरकार के फैसले का लोगों किया स्वागत। अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन लई तैयारियां जोरे शोरे करने जारी। सेहत मंत्रालय ने इस दौरान कुसै भी मेडिकल आपात स्थिति लई कीते इंतजाम। ते अज राष्ट्रीय खेल दिहाड़ा मनाया जा करदा है। प्रधानमंत्री होरें इस मौके पर सारे खिडारियों की दी मुबारकबाद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद होरें गी उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी गई। डोगरी खबरें दे बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। ते पेश ने अज्जे दियां खबरां। सूचना ते प्रसारण महकमे दे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरें आख्या जे सबने उपभोक्ताएं लई घरेलू रसोई गैस च सिलेंडर पिछे 200 रुपए घट करने दा सरकार ने फैसला लिया है। अज्ज नवीं दिल्ली च मीडिया आलें कन्नै गल करदे होई मंत्री होरें दस्सिया जे उज्ज्वला लाभार्थियों की हुण सिलेंडर पिछे 400 रुपए का फायदा होग। इहदे अलावा सरकार उज्ज्वला स्कीम तहत LPG दे 75 लाख नवे कनैक्शन देग। चंद्रयान 3 की कामयाबी बारे मंत्री होरें आख्या जे चंद्रमा पर हासिल इस ऐतिहासिक कामयाबी की मनाने लई केंद्रीय मंत्रिमंडल देश दे कन्ने है। उन्हें आख्या जे मंत्रिमंडल मुल्क दे साइंसदाने की इस उपलब्धि की सराहंदे ने। उन्हें आख्या जे इस मिशन की कामयाबी कन्ने आलमी सतह पर इस खेत्र च देश की तरक्की ते ताकत सारे दे सामने आई गई है। मंत्री होरें आख्या जे मंत्रिमंडल 3 अगस्त की राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाए जाने का स्वागत करता है। उनको एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक LPG। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देशभर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। श्री ठाकुर होरें आख्या जे केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस गल्ला पर बड़ा मान है जे चंद्रयान 3 की कामयाबी च महिलाएं की बड़ी वड्डी भूमिका रही है। उन्हें आख्या जे इहदे कन्ने अगली पीढ़ी दियां महिलाएं वैज्ञानिकें की प्रेरणा थोग। उन्हें आख्या जे मंत्रिमंडल यह मनदा है जे तकनीक के खेत्र च हासिल नवी उपलब्धियां ते तरक्की वादे दे इस युग च किश नवां करने की भारतीय वैज्ञानिकें की इच्छा ते संपन्न साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोगों ते खासकर महिलाएं केंद्र सरकार पासिया घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत च 200 रुपए ते उज्ज्वला सिलेंडर की कीमत च 400 रुपए की कमी करने के फैसले की सराहना की है। दूरदर्शन समाचार कन्ने गलबात करते हुए महिलाएं आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पासिया यह रखड़ी का तोहफा दिता गया है। इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे सरकार ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा जो है वो गिफ्ट किया है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है हम सब लोगों के। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जिससे हमारे जो रोज किचन का जो है बैलेंस बना रहेगा। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का थैंक यू कहना चाहती हूँ। मोदी सरकार का बड़ा धन्यवाद है। पहले अस जो सिलेंडर बड़ा महंगा होता है, हूँ असेंगी डोडा पुलिस ने वांछित अपराधियों आतंकवादियों खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाई है। डोडा पुलिस आसिया चलाई गई इस मुहिम के तहत अदालत आसिया बख बख अपराधिक मामले च कोई 16 अपराधियों की भगोड़ा घोषित किया गया है। इहदे कन्ने गए फरार घोषित किए जाने मगरा अदालत ने दो अपराधियों की जायदाद भी जब्त करने के हुक्म दिए। जानकारी मुताबिक एक फरार अपराधी ते आतंकवादी अब्दुल रशीद जिहड़ा इसलिए पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाले कश्मीर च रवा करता है, उसकी ग्रां फागसू ठाठरी च मौजूद जायदाद भी अटैच किया गया है। इतने ध्यान देने वाली गल है जे यह फरार घोषित किए गए इन अपराधियों च आतंकवादी मोहम्मद अमीन ते मोहम्मद अशरफ भी शामिल न। यह आतंकवादी कई आतंकवादी हमलों च शामिल न ते वो इथुआं नसीए पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाले कश्मीर च चली गए हैं ते इसलिए उत्थे गए रवा करते हैं। एक और मुलजम था जो कि नॉर्मल जो हमारे केसेज हैं
इसमें कोई 12 कनाल और 8 मरले हमने किश्तवाड़ में उसकी प्रॉपर्टी थी वो भी अटैच की है। तो इसमें जो आपने बताया हमारे 16 में से 2 जो हैं वो पाक और पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें एक कमांडर टाइप है जिसका नाम मोहम्मद आमीन और खोबेब है, उसको भी प्रोक्लेम लिफ्टर डिक्लेयर किया और जहांगीर को भी, और प्रॉपर्टी जो है डिटेल बाकी की जो है वो भी ले रहे हैं। नवी दिल्ली च आंदे महीने की 9 ते 10 तरीक की लोए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन तैयारियां जोरें शोरें कने जारी न। नवी दिल्ली के नगर परिषद आसिया राष्ट्र राजधानी की खूबसूरत बनाने लिए पिछले एक बरे थमां कई काम किए जा करते हैं। इस तहत शहर दी प्रमुख थारे उपर 20 मूर्तियां ते 11 पानी के फुहारे लाए गए। इसके अलावा 80,000 गमले च बूटे, 43,000 बूटे जमीन च भी लाए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली च एक विरासती पार्क भी बनाया गया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने नवी दिल्ली च लोए जाने वाली G20 शिखर सम्मेलन की दिखते हुए कुसै भी चाली की मेडिकल आपात स्थिति कने निबड़ने लिए तफसीली इंतजाम किए न। इस दौरान कुसै भी चाली के इलाज या और दुई मेडिकल सुविधा देने आस्तै एम्स ते RML अस्पताल नवी दिल्ली च इंतजाम किए गए हैं। इसके कन्ने गै G20 शिखर सम्मेलन लगने वाली थार प्रगति मैदान ते जिने होटलों च विदेशी डेलीगेट्स की ठहराया गया है उत्थे मेडिकल टीमां ते 50 एंबूलेंस तैनात की गई हैं। G20 शिखर सम्मेलन राष्ट्र राजधानी से आंदे महीने की 9 ते 10 तरीक ही लोया जाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूरज के अध्ययन लई पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 की 2 सितंबर शनिवारें श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन थमां गासे च भेजोग। इसरो ने जानकारी दी है जे इस उपग्रह की सूरज ते धरती दे विचकार एक लैगरेज पॉइंट L1 उपर एक खाली कक्षा च स्थापित किया जाग जेड़ा धरती थमां कोई 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आज राष्ट्र खेड दिवस मनाया जा करता है। यह ध्याड़ा हर बरे 29 अगस्त की हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हुंदे जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें इस मौके पर सारे खिडारियों की मुबारकबाद दी है। उन्हें महान खिडारी मेजर ध्यानचंद हुंदे जन्मदिन पर उन्हेंगी श्रद्धांजलि भी दी। मोदी होरें आख्या जे भारत की अपने खिडारियों के योगदान पर बड़ा मान है। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर होरें भी अज दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम च मेजर ध्यानचंद होरेंगी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जागते शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर आसिया युवा सेवा ते खेड महकमे कने रलिए एक वॉकथॉन का सरिस्ता किया गया। महकमा माल के सहायक आयुक्त होरें उधमपुर के मुख शिक्षा अधिकारी हुंदे कन्ने इस वॉकथॉन की झंडी दसिया रवाना किया। जागते शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर थमां यह वॉकथॉन शुरू हुई जिद च बड़ी बद गिनतरी च विद्यार्थियों हिस्सा लिया। इस शा पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद होरें गी उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय खेड ध्याड़े के मौके पर छात्रू के सरकारी डिग्री कॉलेज के खेड विभाग आसिया NSS यूनिट कने रलिए अज कई खेड गतिविधियां कीतियां गईयां। इंदे च रस्ता कसी, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज ते और कई खेडां शामिल हियां। विद्यार्थियों बड़े जोश ते जज्बे कने इन्हें खेड गतिविधियों च हिस्सा लिया। इस मौके पर सबने मेजर ध्यानचंद होरें गी उनके जन्मदिन के मौके पर श्रद्धांजलि भेंट की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होरें अज नवी दिल्ली च दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन पर चलने वाली कार की शुरुआत की। इस मौके पर गडकरी होरें आख्या जे दुनिया की पहली BS6 स्टेज 2 गड्डी शुरू करना देश लई इतिहासिक मौका है। उन्हें आख्या जे मुल्क की अपने पैरों पर खड़ोने योग बनाने लई जरूरी है जे तेल के आयात की भलियां खत्म किया जा। मंत्री होरें अगे दस्या जे मौजूदा समय च भारत का तेल आयात का बिल 16 लाख करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर च रेलवे के बुनियादी ढांचे च सुधार करने गित्तै बनिहाल बारामूला रेलवे लाइन की दौने बखी चलाने योग बनाने गित्तै ड्रोन सर्वे चला करदा है। रामबन जिले के बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ड्रोन सर्वे चला करदा है। बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ड्रोन सर्वे कंपनी उत्तर रेलवे ते रेलवे पुलिस दीआं टीमां मौजूद न। बनिहाल थमां बारामूला विचकार इक रेलवे लाइन राबता है जिसकी सरकार ने कनोकनी 2 रेलवे लाइन बनाने का फैसला लेता है। बनिहाल थमां बारामूला की रेलवे लाइन 135 किलोमीटर लंबी है ते इहदे पर इक मौके इक्कै बखी दा रेल यातायात चला करदा है। उत्तर रेलवे के एक अधिकारी मुजब बनिहाल थमां बारामूला तोड़ी रेलवे के काम का सर्वे पिछले एक महीने च पूरा कर लिया गया है ते ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड की अगली कार्रवाई किए जाने लिए पेश किया जाग। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना पर काम पूरे जोरे कने चला करता है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता और दसिया जे 2024 के जनवरी महीने के मुकने तोड़ी कश्मीर की बाकी देशों कने रेलवे राय जोड़ दिया जाग जिसमें हमने पूरा सेक्शन का ड्रोन सर्वे किया है बनिहाल से बारामूला डबल लाइन के लिए जिसमें अभी सिंगल ट्रैक है जिसका डबल ट्रैक बनना है
जैसे ये सर्वे होता है इसके बेस पे ही आगे डेवलपमेंट का, डिजाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो इसी के बेस पे आगे प्रोसेस होगा। एनसीआरटीआ इस बरे थमां सतवीं जमात के पाठ्यक्रम च राष्ट्र युद्ध स्मारक बारे एक इतिहास साढ़े बहादुर जवानी की श्रद्धांजलि जोड़िया गया है। इं करने का मकसद स्कूली बच्चों के मन च देशभक्ति की पूरी दलेरी, बलिदान की भावना करने, अपने कर्तव्य की पूरा करने का जज्बा पैदा करना है। रक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय आसिया रलिया पहलकदमी की गई है। इस त्याय इतिहास, राष्ट्र युद्ध स्मारक का महत्व, साड़ी फौजें आसिया देश के खातिर किए गए सर्वोच्च बलिदान के बारे च दसया गया है। जेकर कोई व्यक्ति जिंदगी च किश करने का पक्का मन बनाई लैंदा है तो मुश्किलां ते चुनौतियां उहदे लई अड़चना नहीं बनी सकदियां। उधमपुर जिले की एक कुड़ी मीनाक्षी ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाएं JKS दा इम्तिहान पास करी है, यह साबित कर दिता है। डीडी न्यूज कन्नै गलबात करते हुए मीनाक्षी होरें इस कामयाबी का यश अपनी मां ते अपनी सासू मां दिता है। शुक्रिया कहना चाहूंगी अपने पूरी फैमिली को, शुक्रिया कहना चाहूंगी अपने हस्बैंड को कि मैं इनके सपोर्ट से, इन सबके सपोर्ट से ये अपना एम अचीव कर पाई। एक ही मैसेज रहेगा, आप कंसिस्टेंट रहें अपनी पढ़ाई में, आप थोड़ा थोड़ा समय निकालें, ऐसा नहीं कि एक दिन पूरी मस्ती कर रहे हैं आप, एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, मेहनत जरूर फल देती है, एक ना एक दिन आपको भी देगी। मीनाक्षी जो हमारा घर है, ये हमारी बेटी पहले है बहू बाद में है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी उसी पे, उन्हीं के पथ प्रदर्शन पे जाते हुए, जब बेटी शादी के बाद ससुराल में आती है तो मैं उन सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि बहुओं को भी बेटी की तरह रखिए, बेटी ही मानिए और उनको सहयोग दें पढ़ाई लिखाई में भी और हर एक फील्ड में उनको। संचार मंत्रालय दे जम्मू कश्मीर के लाइसेंस सेवा इलाके च अज बड़े पैमाने पर सेल ब्रॉडकास्टिंग का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण BSNL नेटवर्क लिए जम्मू कश्मीर ते लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों च सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी च किया गया। सेल ब्रॉडकास्ट एक तरीका है जिदे राएं सैलूलर मोबाइल टावरें के जरिए एक निश्चित इलाके च मोबाइल फोन उपभोक्ताएं लिए स्नेह भेजे जाते हैं। ये कन्ने बड़े घट समय च गए टकोदा करिए आपदा ज आपात हालात च मते लोगों तोड़ी आसानी कन्ने पुज बनाई जा सकती है। इस सुविधा की मदद कन्ने कुसै भी क्रोपी ज आपात हालात च मोबाइल फोन उपर अलर्ट जारी करिए कई जिंदगियों की बचाया जा सकता है। मोबाइल फोन पर यह मैसेज कुसा भी निश्चित इलाके च आपू गए मोबाइल फोन की स्क्रीन उपर आई जाग। जम्मू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता ते मीडिया स्टडीज महकमे आसिया कल एक गलबात का सत्र लवाया गया। UNI जम्मू के ब्यूरो चीफ विशाल भारती और इस मौके पर जोर भरिया जो जर्नलिज्म के खेत्र च शोध का मकसद जमीनी सतह पर असलियत बारे जानकारी हासिल करिए उदे पर विश्लेषण करना है। जम्मू यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर के मीडिया विद्यार्थियों कन्ने गलबात करते हुए उन्हें खबरें की रिपोर्टिंग करते हुए अपने तजुर्बे सांझे किए। इदेशा पहले इस महकमे प्रमुख डॉक्टर गरिमा गुप्ता और आख्या जे इस चाली की गलबात करने विद्यार्थियों की जानकारी च वाधा करने च मदद थोग। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राकेश मनास होरें कृषि के पूरे पराते विकास लिए चलाए जा करदे कार्यक्रम तहत करसाने की काबिलियत च वाधा करने लिए 25 करसाने की जम्मू लिए रवाना किया। इस दौरान करसान बागवानी महकमे दियां नर्सरियां ते कृषि विश्वविद्यालय का दौरा लाइए कृषि पैदावार च वाधा करने लिए जानकारियां हासिल करगन। तुस खबरें दा बुलेटिन साढ़े यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/DDNewsJammu पर भी देखी सकते हो। इदे अलावा हुण तुस साढ़ा यह चैनल यूट्यूब ते QR कोड की स्कैन करिए भी देखी सकते हो। खबरें दे बुलेटिन च बस इन्ना गै, दो इजाजत, नमस्कार।